सो हेलो गाइस, वेलकम टू डेमो केमिस्ट्री। सो आज के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 है। और पिछले वीडियो में मैंने लेक्चर 3 बोल दिया था, जो लेक्चर 4 था, और आज आपका क्या है, लेक्चर 5 है। इसमें हम क्या बात करेंगे, पहले कुछ न्यूमेरिकल, जो पिछला जो लास्ट बच गया था क्या आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या पावर और रिड्यूसिंग एजेंट और पावर के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, उस पर 2 क्वेश्चन और मेरे पास है जो नीट और जेई 2019 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताते हैं। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। बोल रहा है 4 आपका क्या दिया हुआ है, सबका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। ठीक, सबका इन ऑर्डर दिया हुआ है। बोल रहा है क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ वो बताना है। फिर सेकेंड बोल रहा है क्या क्वेश्चन, सबका क्या दिया हुआ, रिडक्शन 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 रिडक्शन, राइट। अब देखिए रिडक्शन है तो कौन सा पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। आपको हम यही बोले थे कि जब कभी भी मेंशन ना हो कि कौन सा पोटेंशियल है, हाँ आपको क्या बोले थे, आपको क्या मानने के लिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मानने के लिए। अगर अगर स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड मानेंगे, अगर सिंपल होगा तो क्या होगा, सिंपल रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स means means a strong reduction potential पूछा है। मतलब सबसे ज्यादा जिसका जितना ज्यादा क्या होगा, आपका strong reduction potential value होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा strong oxidizing agent। देखिए ये सब क्या है, आपका reduction है तो potential क्या होगा, reduction potential होगा। अब आपको देखना है सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए -3.05 ये माइनस में है तो काफी छोटा है, माइनस में जो छोटा नंबर वही बड़ा हो जाएगा, कौन है, दिस वन Mg प्लस 2 से Mg, तो क्या जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा Mg प्लस 2। ठीक, Mg प्लस 2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, समझ में आया इसका आंसर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर पूछा है और सबका क्या दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ। अब देखिए रिड्यूसिंग पावर मीन्स क्या, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा क्या, रिड्यूसिंग पावर या क्या दिया हुआ आपका, रिडक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, रिडक्शन, मतलब क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर। बताए थे ना आपको कि ऑक्सीडाइजिंग पावर एजेंट, पावर एजेंट क्या होगा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, राइट, आपको बता चुके हैं, समझ में आ रहा है ना, पोटेंशियल उसी का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट, इस तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे सब क्या दिया हुआ, रिडक्शन दिया हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। पूछा क्या आपका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देखिए आपको ये में इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी कारण से हम इस पे क्वेश्चन भी करा रहे हैं, आपका पूछा ये लेकिन दिया हुआ ये। तो देखिए जिसका जितना कम ये वैल्यू होगा उसका वो इतना ज्यादा होगा, ये भी बताते हैं आपका कि जो आपका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। तीन तो रिलेशन बता चुके हैं आपको, तीन रिलेशन, ठीक है ना, ये तो देखिए रिएक्शन दिया हुआ, पूछा क्या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन सबसे कम होगा उसका ऑक्सीडेशन सबसे ज्यादा होगा, तो ढूंढिए सबसे ज्यादा सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा किसका रिडक्शन है उसका कम क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। देखिए 0.8 राइट, -1.6 -2.93 -0.4 या क्या 0.8, तो सबसे ज्यादा इसका एजी प्लस का, तो सबसे कम क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक, तो बोल सकते हैं जो आपका इसका जो ऑर्डर क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग, मतलब पहले सबसे बड़ा होना चाहिए, लास्ट में क्या सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा कौन आएगा आपका, ये क्यों, क्योंकि इसका रिएक्शन ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन कम होगा, तो इसको मिटा देते हैं पहले, इसको देखिएगा
देखिए सबसे ज्यादा इसका है तो इसका सबसे कम होगा, सबसे कम एजी प्लस का होगा, एजी प्लस का होगा। उसके बाद किसका होगा 0.8, उसके बाद क्रोमियम का होगा, उसके बाद 1.66 का होगा, उसके बाद 8+3 का होगा, और उसके बाद आपका किसका हो जाएगा K+ का हो जाएगा। K+ का सबसे कम रिडक्शन, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में से ऑक्सीडेशन पूछा तो ये ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ जो काफी इजी है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन इजी लगा होगा और ये इजी है भी। ठीक, तो चलिए अब बात करते आगे, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, चलिए इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा, अब हम लोग बात करते हैं क्या कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल फॉर अ हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। देखिए अभी तक हम जो भी निकाल रहे थे ये वाला, इसे आपको बता दें, ये बात ये था ना जेड एन से जेड एन प्लस टू, और क्या था सी यू प्लस टू से सी यू, ये क्या था, ये मेरा फुल सेल था, वो बता चुके हैं फुल सेल है। अब किसका बात करें हाफ सेल रिएक्शन, तो पहले बात की हाफ सेल होता कैसा है वो तो पता नहीं है, हालांकि हम ये बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम ये मान चलते हैं कि आप उस समय थोड़ा सा क्या थे, मतलब कि ध्यान नहीं दिए होंगे, तो हम बताते हैं हाफ सेल क्या होता है। ठीक, आपको वहां ये भी बताया था जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो क्या हो जाए आपका हाफ सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन ना दिखे वो क्या हो जाएगा फुल सेल, या बोल सकते इसको बता, इसका नाम क्या देते ए बी सी, ए से नोट, बी से सॉल्ट ब्रिज, बी से ब्रिज और सी से कैथोड, इसको बोलते ए बी सी, ये फुल सेल हो गया। तो अभी जो भी निकाले थे ई नॉट सेल किसका था फुल सेल का, अब हम किससे बात करेंगे हाफ सेल का ई नॉट, राइट, हाफ सेल का ई नॉट बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, चलिए आपको कुछ हम बताते हैं, ध्यान जैसे मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं पर समझाने के लिए। देखिए बोल रहा है ई नॉट एफ ई कहाँ गया, एफ ई प्लस थ्री से एफ ई, एफ ई प्लस टू आपको मान दिया हुआ ए दिया हुआ है, बोल रहा है ई नॉट एफ ई प्लस टू से प्लस टू से एफ ई दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, अब बोल रहा है क्या ई नॉट एफ ई प्लस थ्री से एफ ई कितना होगा ये पूछा है। अब आपके मन में सर यहाँ पे कहाँ दिख रहा है कि ये हाफ सेल है, अभी हम बताते हैं। देखिए हाफ सेल देखिए, तो इसको एलोंगेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए तो एफ ई प्लस थ्री से थ्री इलेक्ट्रॉन गेन किया क्या बना एफ ई बना, मतलब इसका वो क्या पूछा है, इसका वो ई नॉट पूछा। देखिए इसमें क्या दिखा मेरा, यहाँ पे जब लिखा लिखा इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख जाए हाफ सेल, जिसमें ना दिखे वो फुल सेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा था इसी का पूछा है क्या कितना होगा ई नॉट सेल, और इसका इसका दे चुका है। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे हैंडल करेंगे तो समझिएगा, तो आसान इसको हम मिटा के आपको समझाते हैं एक चीज पर, उसके बाद आपको बताएंगे, राइट, ध्यान दीजिए इसको मिटाते हैं, समझ में आया ना। देखिए देखिए अभी आप देखिए क्या कि दो रिएक्शन था, दोनों का इनोट दिया हुआ था, तो मतलब कि दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा इनोट ऑफ हाफ सेल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा सो बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए जो आपका इनोट होता है इनोट सेल, पता है क्या होता है, वो आपका होता है इंटेंसिव, क्या होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, ये भी क्या मैं पूछा हुआ है प्रॉपर्टी। आप आत्र साहब ये क्यों बता रहे हैं, इसका क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं, नहीं देखे थे फिल्म, नहीं देखे हैं कौन थ्री इडियट्स बोलता है, अरे कहना क्या चाहते हो, वही हम यही कहना चाहते हैं कि ये क्या एक्सटेंसिव सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब मीन्स इट मीन्स
इट मीन्स इट इज नॉट एडिटिव, एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव, सब्सट्रैक्टिव इन नेचुरल, आई मीन नेचर, मतलब जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो क्या होता है आपका एडिटिव, या जैसे मान लीजिए कोई दो दिया हो, ई नॉट फर्स्ट दिया, ई नॉट दो दिया, बोले ई नॉट सेल निकालिए, तब लोग हाँ क्या कर, क्या कर, या तो ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू करते थे पहले ना, उसमें बोले सर उसमें तो करते थे, तो वो क्या फुल सेल का, वो दूसरा कैसे बताएंगे वहाँ पे क्यों करते थे, ठीक। और या क्या कर सकते हैं, ई नॉट सेल, ई नॉट माइनस ई टू, या ई टू नॉट माइनस ई वन, यही हुआ ना, ये सब एडिटिव, ये क्या सब्ट्रैक्टिव हो गया। तो इस केस में हाफ सेल केस में ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, समझ में आया, मतलब यही क्या हो गया, जो भी इंटेंसिव नेचर का वो क्या एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव क्या नेचर का नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम एक और टर्म बात किए थे, क्या डेल्टा जी नॉट क्या होता था आपका, पता नहीं किसी ने, ये क्या होता आपका एक्सटेंसिव नेचर का, एक्सटेंसिव नेचुरे का नेचर क्या है, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है। अब ध्यान दीजिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ये जो आपका है एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव इन नेचर होता है, होता है, ठीक। मतलब इसको जोड़ या घटा सकते हैं, मतलब आपको बता दें ये क्या होता है, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट क्या होता है आपका माइनस एन एफ ई नॉट सेल, बताए थे पिछला क्लास में, राइट, ये होता है ना। तो पहले आप इतना लिखिए, तो इसको हम मिटाएंगे, जल्दी कीजिए, मिटाए 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 मिटा मिटाते हैं, देखिए अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई दो सेल रिएक्शन क्या हाफ, अब देखिए अब जो भी बात की किसके लिए बात कर रहा है, हाफ सेल के लिए बात कर रहा है, अलग ये जो बताया इनोट सेल और डेल्टा जी नोट, ये जनरली है, मतलब सबके लिए है, ठीक। अभी हम जो कंसेप्ट बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे, हाफ सेल रिएक्शन के लिए। अब देखिए डेल्टा जी नोट मेरा होता है माइनस एन एफ, एन एफ इनोट सेल होता है, और मान लीजिए कोई दो रिएक्शन है जिसका डेल्टा, इसे बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा जी नॉट बोल सकते हैं, अगर ऐड करना हो तो डेल्टा जी नॉट वन प्लस डेल्टा जी नॉट टू, राइट। डेल्टा जी नॉट क्या होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल वन, एक मिनट वन वन प्लस प्लस नहीं प्लस, हाँ चलिए लिख लेते हैं, फिर स्टार्टिंग है ना, माइनस एन एफ ई नॉट टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए माइनस एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट वन माइनस एन एफ ई नॉट टू, एफ एफ कॉमन है क्या कट जाता, क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल क्या हो जाएगा आपका ई नॉट, यहाँ पे आपका एक तरह से एक मिनट एन वन होगा, यहाँ पे एन टू होगा, एन टू एन वन, तो एन वन ई नॉट माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, तो एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू, माइनस माइनस कहाँ गया, हवा खाने, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा एन वन ई नॉट वन प्लस एन टू ई नॉट टू बाई 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 एन, ये हो गया फॉर जनरली यूज, फॉर जनरली यूज फॉर
हाफ सेल डिडक्शन राइट, ये हो गया फॉर्मूला। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए ये वाला। देखिए आप बता दे, ये जो बताए हैं ना, ये जो हम बताए हैं आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, इसको और हम शॉर्ट करेंगे, मतलब जो हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, तो ये भी आप भूल जाइएगा। हालांकि ये बता दें एक्सप्रेशन कहाँ से आया, क्योंकि आप लोग अगर कोई ये यूज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से। ठीक, तो इसको ध्यान रखिए। अगर देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ई सेल, लेकिन अभी ई नॉट ही बात कर रहे, छोड़िए ई सेल का बात नहीं करेंगे, अभी ई नॉट का ही बात कर रहे। जल्दी इसको हाफ सेल, जल्दी जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, क्वेश्चन हम लेते हैं तब तक। चलिए वही क्वेश्चन जो हम लोग स्टार्टिंग में लिखे थे, चलिए मिटाते हैं इसको, ध्यान दीजिए मिटाए, इसको छोड़ देते इसी फॉर्मूला को, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन क्या है मेरा, एफ ई नॉट एफ ई थ्री प्लस एफ ई टू प्लस, कितना दिया हुआ था ए, ई नॉट एफ ई टू प्लस से एफ ई क्या दिया हुआ था बी, पूछा क्या था ई नॉट एफ ई थ्री प्लस से एफ ई पूछा था कितना होगा, यही पूछा था, मतलब ई नॉट ऑफ इसका पूछा था, किसका इसका राइट। देखिए हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अब क्या कीजिए इसका आप क्या निकालिए, एक काम कीजिए आप थोड़ा सा इसको हम लेंथी समझाते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आपका बेसिक इसमें इसी में भी और थोड़ा क्लियर करते हैं, इसको हम मिटा लेते हैं, देख लीजिए। चलिए यहीं पे देखते हैं इसका अगर रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन तो क्या होगा, ए पी प्लस थ्री से टू गया ना, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया ए पी प्लस टू, इसका देख लीजिए क्या हो जाएगा, ए पी प्लस टू से दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया आपका, क्या बन गया आपका एफ ई प्लस थ्री, इसका देख लीजिए एफ ई प्लस थ्री से थ्री इलेक्ट्रॉन गेन किया और एफ ई बन गया। अब देखिए आपको ध्यान दीजिएगा, इस दोनों रिएक्शन को, इस दोनों रिएक्शन को जोड़ के या घटा के हमको ये लाना है। ठीक, तो ये तो देखिए सिंपल है, कैसे, एफ ई प्लस थ्री इस साइड है, टू इलेक्ट्रॉन और वन इलेक्ट्रॉन जुट गया, ये कट जाए, मतलब सिंपल अगर ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों कैंसल आउट, बचेगा क्या एफ ई प्लस थ्री, थ्री इलेक्ट्रॉन और क्या हो गया एक मिनट एफ ई हो गया राइट, ये हो गया। अब देखिए इसका हम बात कर रहे हैं क्या, डेल्टा जी नॉट इसको वन माने तो क्या हो जाएगा एन एफ, इसका एन कितना है वन, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मीन्स क्या है यहाँ पे भूल गए लिखना, एन मीन्स क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन एन हो गया आपका वन, एफ को एफ मान लेते हैं अभी, और ये क्या है ए, इसका कितना हो जाएगा डेल्टा जी नॉट टू टू वन इंटू एफ इंटू बी, और इसका कितना हो जाएगा देख लीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं ना है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए एफ ई प्लस थ्री और थ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एफ ई हो गया। आपको करना कुछ, देखिए दो रिएक्शन तो आपको दिया जाएगा, तीसरा का नोट पूछेगा राइट, तो दोनों क्या क्या लिखिएगा, क्या सेल रिएक्शन लिखिएगा, उसके बाद दोनों को किस तरह से जोड़े घटाए या ये आ जाएगा राइट। तो यहाँ पे दिख रहा था तीन तीन रिएक्शन चाहिए था ना, तो जोड़े थे तो तीन आएगा, एफ ई प्लस टू, एफ ई प्लस टू क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम इसका निकालेंगे डेल्टा जी निकाल, डेल्टा जी क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी वन डेल्टा जी नॉट टू बताए थे जनरली, अब आपको करना कुछ नहीं है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, हम इतना भी नहीं करेंगे क्योंकि हम समझाएं अभी। अब देखिए तो अगर किसका निकालना है, इसका निकालना है, तो ई नॉट एफ ई प्लस थ्री से एफ ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला डालिए, एन वन कितना है एफ का तो काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एफ नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यार मिस्टेक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, आप मुद्दा देख लीजिएगा राइट, बेसिक हम समझा दे रहे हैं, कभी मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा सा छोटा बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा, टू बी बाई एन से कितना है, देखिए ना एन किसका है इसका, कितना हो जाएगा थ्री, कितना हो जाएगा ए प्लस टू बी बाई
राइट, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए पहले आप इतना नोट कीजिए इसका, और हम शॉर्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा। इतना पहले आप नोट कीजिए, अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तब तो समझाएंगे आपको अच्छा सा मतलब। चलिए इसको मिटाए 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 मिटाए, चलिए ध्यान दीजिए। अब देखिए ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग प्रोसेस। अब बात रहा विद इन 5 सेकंड के अंदर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना है। देखिए तो इसमें समझाते हैं, अगला में अप्लाई करेंगे वही कंसेप्ट जो भी समझाएंगे। देखिए इसमें कितना का चेंज हो रहा है, 3 से 2 जा रहा है, 1 का चेंज, तो कितना चेंज हो रहा है, 1 का चेंज। देखिए पूछा गया Fe+3 से Fe पूछा, ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। देखिए Fe+3 से क्या पूछा, Fe पूछा है। देखिए पहला रिएक्शन में Fe किधर है, क्या है, लेफ्ट साइड, और दूसरा रिएक्शन में Fe किधर है, देखिए सॉरी पहला रिएक्शन में Fe+3 किधर है। देखिए पहला आपको हम समझा रहे हैं ठीक है ना, ताकि आप यूज कर सके। आपको लग रहा कि सर क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको कैसे अपने आप का मतलब जो वो कंसेप्ट है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दिक्कत यही होता है फिजिकल में कि हम लोग सिर्फ फॉर्मूला रटते हैं और उसी में हम लोग फंसते हैं, समझ में आया ना। आपको पता होगा कि जब हम बात किए थे क्या केमिकल गारंटी के 5 सेकंड वीडियो में, तो हमको हम जब बना रहे थे क्वेश्चन, जब हमसे बच्चा पूछ रहा था डाउट, तो हमको लगा वहाँ पे देखिए तो हर एक क्वेश्चन मतलब कि अगर टी हाफ दे देता था तो हर एक क्वेश्चन को हम उसी से बनाते थे, हर एक क्वेश्चन बन जाता था विद इन 5 सेकेंड, समझ में आया, बन जाता था। हम देखे थे, हम ट्राई भी किए, हम यूज भी करते हैं वही चीज ठीक। तो पहले आपको समझा रहे हैं, पहले आप उसको फोकस कीजिए, क्योंकि जितना इसमें मेहनत कर रहे हैं, देखिए छोटा सा टॉपिक है मानते हैं, लेकिन क्वेश्चन आएगा ना तो आप 5 सेकंड में सॉल्व कीजिए। जो बच्चा 5 मिनट में करेगा वो इसमें बैठाएगा डिवाइड करेगा नहीं, हम उतना भी नहीं करेंगे। देखिए हम क्या बोले Fe+3, हमको क्या चाहिए Fe+3 और Fe चाहिए, ढूंढेंगे Fe+3 किस में है और Fe किस में है। Fe+3 फर्स्ट रिएक्शन में है और Fe किस में, सेकेंड रिएक्शन में, राइट। अब देखिए Fe+3 किधर है, ये क्या आपका लेफ्ट साइड, Fe किधर है, राइट साइड। देखिए तो जब भी पूछे हमको ये देखना है, ये अगर ये लेफ्ट साइड हो मतलब इस दोनों में कोई रिएक्शन, अगर ये लेफ्ट साइड हो और ये क्या हो, राइट साइड हो, क्या हो, राइट साइड हो, तो करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, करना क्या देख लीजिए, जब भी दोनों लेफ्ट एक लेफ्ट एक राइट होगा हमेशा यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, हमेशा बीच में प्लस होगा, ये फिक्स हमेशा प्लस होगा। उसके बाद ये प्लस फिक्स हो गया। अब देखिए कितना का चेंज है, 1 का चेंज, तो 1 × A कितना का चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 का चेंज हो रहा है ठीक, तो 2 × B, तो 1 × A + 2 × B, इसमें कितना चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है, तो by 3, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपको इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन से आपको क्या करते हैं समझाते हैं, और ध्यान दीजिए कि और समझ लीजिए। अगर दोनों मतलब सेम साइड हो, या तो दोनों राइट साइड हो, इससे हम क्या बोले एक लेफ्ट एक राइट हो, यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर यहाँ पे राइट हो ठीक, अगर यहाँ भी राइट हो, या दोनों इधर भी लेफ्ट हो और इधर भी लेफ्ट हो, राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए हम कैसे यूज करेंगे इस कंसेप्ट को, देखिएगा विद इन 5 सेकंड में बता रहे हैं, अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं, आपको मजा आएगा देखिएगा इस लेक्चर में। आप पढ़ते होंगे ना, आप विश्वास कीजिए आप ऐसा ये कभी नहीं पढ़े होंगे। देखिए ये मेरा खुद का है, इम्प्रूव किया हुआ। चलिए क्वेश्चन सिंपल सा लेते हैं, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने स्टेनस वाला, E₀ SN₄ SN+3, इसका मान लीजिए 0.5 वोल्ट दिया हुआ है, E₀ SN+3 से SN+2 ये आपका दिया हुआ है 0.6 वोल्ट, पूछा है E₀ SN₄ SN राइट, ये कितना होगा इसका निकालना है। देखिए अब हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए ये किधर है, इसमें राइट क्या है, लेफ्ट साइड में, पता चल रहा कैसे लेफ्ट साइड में है, रिएक्शन लिखिएगा आपको कितना समझा दे रहे हैं। SN+4 + 1 इलेक्ट्रॉन क्या लगा, SN+3, तो ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, लेफ्ट राइट, यहाँ पे देखिए ये राइट ये लेफ्ट
ये राइट था, समझा दे रहे हैं एक बार और। राइट, अब देखिए ये हो गया, तो बीच में प्लस आएगा, कितना का इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, 4 3 1 वन इंटू दिस, कितना चेंज हो रहा है, 1 का 1 इंटू दिस, इसमें कितना चेंज हो रहा है, 2 का, 2 नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.6 बाई 2, कितना हो जाएगा, 1.1 बाई 2, डिवाइड कर दीजिए कितना हो जाएगा, 0.5। मजा आया, समझ में आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके, अभी आपको 2 क्वेश्चन और करवाएंगे, इस लेक्चर को खत्म भी करेंगे, ठीक। चलिए समझ में आया, अब आपको मन में आएगा, सर जब बता दी तो बताए कहे थे वो कॉन्सेप्ट का स्टार्टिंग वाला, आपको बताए थे कि मन में कभी डाउट ना है कि वो कहाँ से आया, उसी को देखिए इम्प्रूव करके लाए, ठीक। तो कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, ठीक ना, वही कंसेप्ट को हम अगर स्पीड अप्लाई करते ट्रिक बन जाता है, अगर नहीं आता है कमजोर है बनाते ही फॉर्मूला से, क्या दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, डिफरेंट वाला थोड़ा सा, मिटा इसको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपको, एक मिनट वेट। चलिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मेरे हाथ में लगा है क्वेश्चन, नॉट क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम प्लस 2 गोल्ड, नॉट क्रोमियम क्रोमियम प्लस 2 3 गोल्ड, नॉट क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम पूछा है, राइट। ये पूछा है, देखिए इसको बना देते हैं, देखिए पता चल रहा है क्रोमियम प्लस 3 क्रोमियम, क्रोमियम किधर है, देखिए ये भी क्या है लेफ्ट, ये भी क्या है लेफ्ट लेफ्ट, करना क्या, कितना चेंज हो रहा है, 1 का कितना चेंज हो रहा है, 2 का, 1 इंटू ये 2 इंटू ये, बताए थे ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट, जब दोनों सेम साइड हो लेफ्ट है, समझा दे रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्टली लिख देते, पता है कुछ बच्चे है जो अब क्या इस 12th में गया है, तो उसके लिए जो बच्चा टारगेट में होगा उसके लिए तो डायरेक्ट बोलते हैं, लेकिन फिर भी छोड़िए, इन्होंने किसा पूछा है क्रोमियम प्लस, यहीं पे लिखते छोड़िए ना, यहीं पे लिखते हैं, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 बाई कितना चेंज हो रहा है, 3 का, कितना होगा, 6 माइनस 4 बाई 3, 4 बाई 3 वोल्ट, आपको करना है पॉइंट में, समझ में आया, इजी है कि हार्ड है, ये काफी ज्यादा इजी है, ठीक। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, लास्ट क्वेश्चन, दिक्कत है नहीं ना, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देख लेते हैं, 1 का चेंज 1 इंटू 2 2 का चेंज 3 6, ये ठीक, समझ में आया, आपके मन में आया सर ये पहले आ सकता है ये बाद में आ सकता है, नहीं क्यों, क्योंकि आप क्रोमियम पहले है, इसी कारण से ये पहले आएगा, ये सॉरी क्रोमियम प्लस 3 पहले है, पहले आएगा क्रोमियम सी आर बाद में, तो ये बाद में आएगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया ना। तो आपको हम एक समझा देते उससे, एक लास्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन इसी टाइप का देख लीजिए, एक सब क्वेश्चन वही टाइप का है, देख लीजिए एक और क्वेश्चन बोल रहा है क्या, ई नॉट ए पी प्लस 3 से एफ ई गया 0.8 वोल्ट, ई नॉट ए पी प्लस 2 से एफ ई से एफ ई प्लस 2 गया 0.9 वोल्ट, और E0 AP से पूछा है तब चेंज कर दिए, AP से पूछा है AP प्लस 3 पूछा है, एक मिनट AP नहीं AP भी कट जाएगा, AP प्लस 3 से AP प्लस 2 पूछा है, आसान हो गया, फिर से पूछा है, फिर ट्राई कीजिए, तो ट्राई कीजिए, चलिए उम्मीद करते हैं आप ट्राई कर लेंगे, देखिए अब आप नहीं लिखेंगे, ये क्या है आपको डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए कैसे, कितना का चेंज, 1 का चेंज, कितना का चेंज, 2 का चेंज, 1 इंटू दिस 2 इंटू दिस, तो 1 ये दोनों क्या है, ये लेफ्ट ये राइट, तो 1 इंटू 0.8 प्लस 9
टू इंटू 0.9 by 1, 2.8 + 1.8, 2.6 वोल्ट। बट ये कितना देर लग रहा है, हम तो लिख रहे, हम तो लिखते भी नहीं। अगर हम चाहते, अगर टारगेट जो बच्चा होता है ना, उसको तो लिखते भी नहीं, डायरेक्ट मूव पेंसिल बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी यूनिक लगा हो, यूनिक तो लगा ही होगा। हम गारंटी के, मतलब गारंटी के पूरा दावे के साथ बोल सकते हैं कि ऐसा चीज़ आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये मेरा खुद का क्रिएशन है। तो कैसे आप देख सकते कहीं और, कहीं से चुराते हैं तो अपना पता चलता है कि हम बोल सकते हैं मेरा खुद का क्रिएशन है, क्योंकि ये हम इतना इस पर प्रैक्टिस कर चुके हैं ना कि हमको काफ़ी इस पर पकड़ है, हमको पता है कहाँ पे किस तरह से हमको स्पीड अप करना है। आपको नर्स इक्वेशन का भी कुछ बताएंगे, खतरनाक खतरनाक चीज़। ठीक, अब बन रही है मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक डालिए।